अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी। ऑलमोस्ट सुबह के कोई 3 बजे का टाइम था, हम लोग मक्का में मौजूद थे, तो हमें नीचे जाने के लिए तो जगह नहीं मिली, तो हम जो है वो ऊपर ही रुक गए फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे 2 अजान होती है फजर के टाइम। उसके बाद हम गए मॉल, मॉल से हमने सुबह सुबह कुछ चीज़ें देखी, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें दी, और फिर हम चले गए होटल। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमने होटल चेंज कर लिया था जो मक्का के बिल्कुल करीब था, इसका नाम था मुकर्रम अल कुरा। और ये होटल है जी, और ये आप देख सकते हैं ये रूम है। अच्छा, इसका मैं आपको वॉशरूम का पोर्शन इसलिए दिखाने लगी हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये इसका शावर एरिया है सेपरेटली। उसके बाद इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। फिर इसका ये सिंक का एरिया है, आगे आएगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए जी, इसे वैसे नीट क्लीन टाइटी, ये यहाँ पे शेल्फ से स्लैब से बनी हुई है, तो एजेड लोग आराम से बैठ के चावल ले सकते हैं, यहाँ तक चावल का पानी आ जाए। ठीक है, उसके बाद एमरजेंसी के लिए यहाँ पर उन्होंने फ़ोन भी लगाया हुआ है, अगर इनके कोई चीज़ ऐसे हो जाती है कि आप अकेले रूम में तो आप कर सकते हैं। ये फिर है इनका सिंक, और जो इनकी है सारी किट। और याद रहे कि ये किट हर रोज़ चेंज होती है, आप क्लीनर से कह के ये मंगवा सकते हैं या रूम सर्विस कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, आप ये जो है वो नेक्स्ट है इनकी लॉबी। इनका बाहर का पोर्शन बहुत अच्छा बना हुआ था, ये नीचे सिटिंग के लिए भी बना हुआ था, नीचे बैठने के लिए अरबिक स्टाइल में। और ये मसाज चेयर भी थी इनके पास, आप इसीलिए बैठ के मसाज भी कर सकते हैं अगर आप थक चुके हैं तो। और यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उमरा करके। हमारा ऑलरेडी उमरा हो चुका है और फिर हम जाने लगे हैं हरम की तरफ। ये देखेंगे इतना करीब है कि मक्का टावर का मीनार जो है वो नज़र आता है हमारे होटल से, जहाँ से हमारी बस स्टार्ट हुई है, बस एक ही रोड है। और ये हम पहुँच गए हैं मक्का अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा 3रा दिन है और इस टाइम हम 3 के टाइम आए हैं, तो काफ़ी धूप है यहाँ पर। ये हमने एक और तवाफ़ किया है यहाँ पे, उमरा हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको और एक दफ़ा फिर तवाफ़ करना पड़ता है, चाहे आप उमरा की नीयत से ना जा रहे हो। ठीक है, और ये भाई साहब देखिए सबको रोक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबको जो है वह हजरत अस्वद को बोसा देना है, और काफ़ी एफर्ट लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक जो पर्सन वो सिलाई कर रहा है खाना काबे के खिलाफ को, नीचे वाले पोर्शन को। और फिर हम लोग यहाँ सहन में बैठ के यहाँ पे सब घर वालों को वीडियो कॉल्स की हैं, और जितने लोगों की जो भी दुआएं थी वो मांगी। हम तवाफ कर चुके थे और अभी बाकी के लोग अब देखे तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करने के बाद दो नफल भी पढ़ने होते हैं, तो हमने वो पढ़े यहाँ बैठ के। और अब हम फ्री हैं, अब हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह निकलने वाले हैं यहाँ से। हर बार 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 नीचे आने का चांस नहीं मिलता, तो फिर ये जो मक्का टावर है हम बाहर निकले जब, तो मक्का टावर के ऊपर वाले पोर्शन में कुछ खाने पीने की प्लेस है, तो हम वहाँ के बैठ के और अब हम यहाँ पे कुछ खाएंगे इंशाल्लाह करीम। यहाँ पे जितने भी टावर्स हैं, जितनी भी प्लेसेज हैं, सब में खाने पीने की आपको जगह मिल जाएंगी, पास पास सस्ती भी हैं महंगी भी हैं, बस आपको थोड़ा निकल के सर्च करना है। हर तरह का फूड है यहाँ पे, मोस्टली तो आपको फास्ट फूड ही मिलेगा। तो फिर हमने ये ऑर्डर किया यहाँ पे खाना, और हमने खाया यहाँ से। आप देखेंगे सहन नज़र आ रहा है हरम का। ठीक है, फिर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, अब हम जाएंगे इंशाल्लाह होटल की तरफ। और यहाँ पे पास ही बस स्टेशन है, बस स्टेशन है सेंस के यहाँ पे जितने भी होटल्स की बसेस हैं वो आती है, तो वो भी मक्का टावर के ऑपोजिट साइड पर है, आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है। एक्चुअली मेरी वॉइस जो ख़राब हो चुकी है रूटीन की वजह से कुछ। और यहाँ पर रास्ते में आप देखेंगे एक कबूतर चौक, इसको शायद कहते हैं कबूतर है, और आप वहाँ से दाना ही खरीदते हैं। देखिए मैंने दाना खरीदा और मैं उनको डाल रही हूँ, ये बस 10 जो है वो शायद रियाल का दाना मिलता है या 5 रियाल का, बल्कि और आप उनको डाल सकते हैं। फिर देखिए हम जा रहे हैं, ये मक्का टावर है, और ये जो है सारी हर होटल की बसेस खड़ी हैं, आगे नाम लिखा हुआ है, आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी बस में बैठ सकते हैं। हर 5-10 मिनट के बाद बस आती है। फिर हम आगे रूम में, क्योंकि मैंने आपको मुकर्रम अल कुरा में रूम नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा सर पहले वॉशरूम दिखाया था,
तो मैंने सोचा कि आपको वो रूम भी दिखाती हूँ। इसका रूम भी बहुत अच्छा था, सस्पिशियस था, नीट एंड टाइडी था और बड़ा भी था। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ गलत थी कि खाना अच्छा नहीं था। खैर, चाय का सामान हर जगह पे होता है, आप डेली भी मंगवा सकते हैं उनसे। ये बाकी का हमारा अपना सामान था। और ये है जब हम दोबारा मक्का गए और फिर वहाँ से वापसी पे हम लोग दोबारा से होटल जा रहे थे। एक्चुअली हम दिन में काफ़ी टाइम चक्कर लगाते थे, तो इसलिए हमें होटल जो है वो पास ही चाहिए था कि अगर हमें कुछ चेंज करना है या खाना खाने जाना है या थोड़ी तो देर रेस्ट करने जाना है तो हम जा सकें। ये ऑपोजिट साइड है, इस साइड पे एक आइसक्रीम शॉप है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आए। ये देखें जी, ये बिल्कुल सुबह का टाइम था, फजर के बाद का, इसलिए इतनी ज़्यादा धूप नहीं है यहाँ पे। मैं आइसक्रीम की बात करी थी, ये है वो आइसक्रीम जो 10 रुपये की मिलती है। और मुकर्रमपुरा में ये अच्छी चीज़ थी कि अंदर ही छोटी सी कैंटीन टाइप बनी हुई थी, इसमें सब फ्रेश चीज़ें भी थी, आपको सब मिलता था। और ये हम वापस जा रहे हैं, अब दिन के एक हिस्से में हम एंटर हो चुके हैं हरमैन ट्रेन की स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं मदीना। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का है, मैं कल जो है वो यहीं से स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह करीम। और ये हम जाएंगे ट्रेन से मदीना, जो कि 2.45 ऑलमोस्ट आवर्स लगते हैं इंशाल्लाह। और हम मदीना एक दिन जाने वाले हैं और उसी दिन वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये इनका ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से हम बैठेंगे। हमने कोई सीट बुक नहीं की, अब हम वहीं जा के देखेंगे कि कौन सी सीट अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सुबह लेट हो गए थे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।